दिले नातवा में ख्वाहिशें बहुत हैं, ख्वाहिशें बहुत होने का मतलब यह है कि ख्वाब है न जाने कब पूरा होगा कि कभी गाड़ी खरीदें होंडा सिटी। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि सूरत हाल ऐसी है कि होंडा सिटी देखी जा सकती है और देख के आपको दिखाई जा सकती है, लेकिन खरीदने का मौका कब मिलेगा वो अल्लाह जानता है, मालिक जानता है, भगवान जानते हैं। मेरे साथ इस वक्त आपका नाम सौरभ मेरे साथ हैं। सौरभ होंडा सिटी की तरफ से हैं। ये होंडा सिटी फिफ्थ जनरेशन है, बहुत बेहतरीन कार है ये सौरभ का कहना है। सौरभ मुझे बताइएगा कि सबसे खास बात सभी पुरानी होंडा सिटी के मुकाबले में इस होंडा सिटी में क्या है? सर सबसे पहली बात कि आपको इसमें फिर टोटली चेंज है। अगर फोर्थ जनरेशन की मैं बात करूँ, थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन उससे टोटली चेंज है। जैसे कि हम इसके फ्रंट की बात कर रहे हैं, टोटली इसके ग्रिल चेंज है। जैसे कि आप इसकी ग्रिल देख सकते हैं, ये आपके होंडा बैजिंग के इसके एलईडी 9 रो लाइट्स आ जाती हैं। अच्छा 9 रो लाइट्स हैं, 9 रो लाइट्स हैं एलईडी इसकी। एलईडी फॉग लैंप आ जाती है इसमें। अच्छा ये एलईडी फॉग लैंप भी है? एलईडी फॉग लैंप आ जाती है। अच्छा ये लगा हुआ वहीं से आया, कंपनी फिटेड सर? कंपनी फिटेड बिल्कुल सर। उसके अलावा ये उसके बाद डायमंड कट आपके अलॉय व्हील आ जाते हैं इसमें, और 16 इंच के ठीक है। इलेक्ट्रिक फोल्डिंग आ जाता है इसमें। इलेक्ट्रिक फोल्डिंग है, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग। ये जो मॉडल आपका, ये टॉप मॉडल है? ये टॉप मॉडल रहेगा सर, मैनुअल टॉप पेट्रोल का रहेगा ये। मैनुअल टॉप पेट्रोल का इसमें सर सीवीटी आपको पेट्रोल में मिल जाएगा, और डीजल में आपको 1.5 लीटर का सेम डीजल इंजन मिल जाएगा। 1.5 लीटर का सेम डीजल इंजन मिलेगा। तो इंटीरियर्स में क्या खास है? इंटीरियर आप अगर देखेंगे तो सर टोटली चेंज है कंपैटिबली टू, अगर फोर्थ जनरेशन से बात करें, फोर्थ जनरेशन में इनबिल्ट आपका मतलब डैशबोर्ड के साथ ही आपका टच पैनल आता था 7 इंच का। अब जो चेंज कर दिया इन्होंने 9 इंच का टच पैनल कर दिया है। ठीक, फुली एंड्रॉइड पैनल है आपका। फुली एंड्रॉइड पैनल है, फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल रहेगा आपका। ठीक, इंस्ट्रूमेंट डिजिटल क्लस्टर रहेगा। जैसे कि आप इसको ऑफ करके ऑन करेंगे, जैसे कि आप ये देखते हैं फुली एंड्रॉइड रहेगा इसका। ठीक, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुली डिजिटल है आपका। अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी फुली डिजिटल आ जाता है। अच्छा उसके अलावा टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग इसमें आ जाता है आपका। बेस से लेके टॉप तक अगर आपको सारे एज इट इज फीचर सब सेम है, जैसे कि आप देखोगे टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग। ठीक है, उसके बाद फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 9 इंच का टच पैनल, ये सब आपको बेस मॉडल। और सीट्स भी मैं देख रहा हूँ कि काफी कंफर्टेबल है। बिल्कुल सर, राइट नाउ इसमें लेदर सीट्स है टॉप एंड वेरियंट में आपके, और फैब्रिक सीट्स रहेंगे आपके सेकंड टॉप और बेस वेरियंट में। अच्छा जो होंडा सिटी इससे पहले आती थी उसके मुकाबले में इंजन कैसा है? 1.5 इंजन है एज अ 121 इसकी हॉर्स पावर रहेगी। अगर थोड़ा सा मुझे लगता है हम आगे से बोनेट खोल के देख लें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि लोगों को पता चले इंजन को लेकर। ये आप देख सकते हैं, ये देखें जी, ये होंडा आईवीटेक इंजन है ये इसका। हाँ ये होंडा आईवीटेक इंजन है, आईवीटेक इंजन है, अर्थ ड्रीम्स इंजन है ये। ठीक, पूरा होंडा का ये पेट्रोल इंजन है इस समय आप देख रहे हैं जो। हाँ? ये पेट्रोल इंजन है 1.5 लीटर का है। इसकी जो पावर रहती है 121 लीटर की इसकी पावर है, जो कि इसकी अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो डीजल वेरिएंट 100 पीएस पावर रहेगी, 2000 आरपीएम रहेगी। अगर पेट्रोल की मैं बात करूं तो 121 पीएस इसकी हॉर्स पावर है, और 100 पीएस इसकी आरपीएम आ जाती है इसकी। अच्छा 100 पीएस इसकी आरपीएम आ जाती है, क्या बात है। तो दूसरा मुझे ये बताइएगा कि बैक में भी, अच्छा ये टॉप एंड मॉडल है ये इसका बैक का पोर्शन। हाँ जी, और उसके अलावा डिकी इसकी बड़ी है या 506 लीटर की सर? अभी आइए मैं आपको एक बारी बूट स्पेस क्लियर करा दूं, जरा बूट स्पेस क्लियर, ताकि डिकी का पता चले कि डिकी कितनी बड़ी है। ये आप देख सकते हैं 506 लीटर की इसकी बूट स्पेस रहेगी, विद कैबिन लाइट रहेगी, मतलब बूट लैंप रहेगी आपकी। अच्छा ये बूट लैंप साथ में लगा के साथ ही? बिल्कुल सर। ठीक। और क्या? अच्छा प्राइस रेंज क्या है? प्राइस रेंज की बात करें, अगर मैं इसके एक्स शोरूम की बात करूं, हाँ तो एक्स शोरूम आपको पड़ जाता है 11 लाख। एक मिनट, तो ये होंडा सिटी की खूबसूरत कार है जी, जो खूबसूरत कार हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। आपका मन बने तो होंडा सिटी की ये नई फिफ्थ जनरेशन कार लेने का आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन अब कीमत आप तक पहुंचाते हैं, कीमत क्या है जी? सर 11,57,300 से एक्स शोरूम प्राइस इसका स्टार्टिंग रहेगा। ठीक, जो कि इसका फर्स्ट वेरिएंट है वी मॉडल।
ठीक। उसके बाद सेकंड वेरिएंट जो VX आ जाता है वो 13,03,300 का इसका एक्सशोरूम रहेगा। ठीक। अगर टॉप एंड की बात करूँ ZX MT का 14,02,300 इसका एक्सशोरूम रहेगा। एक्सशोरूम प्राइस, एक्सशोरूम प्राइस। अगर मैं ऑन रोड प्राइस की बात करूँ 13,52,000 का बेसन वेरियंट, अच्छा, वी मॉडल, एंड 15,17,000 का सेकंड टॉप, एंड 16,36,000 का टॉप। और ये आपको हिलव्यू होंडा जम्मू से मिलेगा। जम्मू से। तो ये आपको हम होंडा सिटी की कार दिखा रहे हैं। मैंने कहा कारों का मुझे भी बहुत शौक है और मैं वही कार देख रहा था, मैंने कहा कि ये कार आप तक पहुंचाएं। तो ये है जी होंडा सिटी की ये कार है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो सारा स्टेयरिंग में क्या क्या कंट्रोल है इसके? स्टेयरिंग में सर क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाएगा, मीडिया का कंट्रोल मिल जाएगा, कॉलिंग, डिस्कनेक्ट, सोर्स, होम कंट्रोल, वॉइस रिकॉग्निशन, ये सब आपको मिलेगा सर इसमें सब कुछ। क्रूज कंट्रोल में आपको स्पीड लिमिट 40 के ऊपर आप क्रूज सेट कर सकते हो, एज इट इज, मतलब आप 60-80 जितना भी आप रखना चाहें। अच्छा, क्रूज सेट कर सकते, क्रूज सेट कर सकते। तो ये आप कह रहे हैं कि इसमें क्या कहते हैं, ये ऑटोमेटिक नहीं है? ये ऑटोमेटिक, पेट्रोल में आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी इसमें। पेट्रोल में ऑटोमेटिक मिल जाएगी? बिल्कुल, 1.5 लीटर के साथ पेट्रोल ऑटोमेटिक, CVT इंजन आता है इसमें। अच्छा, किसी को अगर ये कार खरीदनी हो तो वो क्यों आपकी ये कार खरीदे, इसकी माइलेज क्या है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि माइलेज क्या है। बहुत सारे लोग जो है वो सवाल असल में यही पूछते हैं कि जनाब ये बताइए, क्योंकि इस समय पेट्रोल बहुत महंगा है, इस महंगाई के दौर में क्या माइलेज दे रही है कार? सर कंपनी जो क्लेम करती है 17.6 की कंपनी पेट्रोल करती है और 24.1 की इसकी डीजल की क्लेम करती है। ठीक। और होंडा की कंपनी के अगर मैं बात करूं तो प्लस ही मिलता है कभी भी। अगर आप कंपनी 18 क्लेम करती है तो 19-20 की भी कस्टमर के रिव्यू है। अच्छा। हम नहीं कहेंगे, कस्टमर रिव्यू है। अच्छा। अगर उनका फीडबैक काफी अच्छा रहा है, जापानीज इंजन है, कभी मार नहीं खाता पेट्रोल इंजन में। वैसे भी होंडा की कभी भी मैं बात करूं तो कभी पेट्रोल इंजन 2,00,000 चला लो, अनलिमिटेड 10 ईयर की वारंटी दे रही है। सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है सर, 10 साल की वारंटी, 10 साल की वारंटी है सर, 3 साल की कंपनी दे रही है, 7 ईयर आप एक्सटेंड कर सकते हो। चलिए, तो आपने 10 साल की वारंटी है हिलव्यू होंडा की, हिलव्यू होंडा से आप ये कार ले सकते हैं। लेकिन आप तक पहुँचाने का मकसद ये कि अगर आपको वाकई मन बन रहा है कि आपने कार खरीदनी है तो होंडा सिटी एक बेहतरीन कार है, और ये 5th जनरेशन होंडा सिटी आप हिलव्यू जाकर वहां पर आई ट्राई तो आप ले सकते हैं, उसके बाद आप अपना मन बना सकते हैं।